खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां ग्राम खुनसरा के रहने वाले गंगाराम यादव को शिव मंदिर के पास एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि खुनसरा के रहने वाले गंगाराम यादव बीती रात को वीरेंद्र नगर से शिव मंदिर जा रहे थे। उसी दौरान एक ट्रक पीछे से आया और गंगाराम को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से गंगाराम को कुछ लोग तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर अतुल यादव ने चेकअप के उपरांत गंगाराम को मृत घोषित कर दिया। और वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने पंचनामा भरकर गंगाराम को पोस्टमार्टम के लिए खटीमा भेज दिया। वहीं गंगाराम के भतीजे राकेश का कहना है कि मेरे चाचा के दो बच्चे हैं जिनकी माँ पहले ही खत्म हो चुकी है, अब देखा जाएगा कि उनका कोई सहारा नहीं है। वहीं रो परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। वो चाचा है गंगाराम नाम उनका, ग्राम खुनसरा के रहने वाले हैं। मैं उनका भतीजा राकेश, उनका रात काम कुछ करके आ रहे थे, उनका वीरेंद्र नगर बाईपास पर उनका एक्सीडेंट हो गया था शिव मंदिर के सामने। और उनके दो बेटे हैं, उनका नाम रौनक है, उनका नाम आकाश है, उनकी दोनों 12 साल है, छोटे 12 साल है। उनकी पत्नी है, हम लोगों को थाने सूचना मिली तो हम लोग सब परिजन यहाँ पे आए हैं। सरकार कुछ मदद करे, सरकार से मदद चाहिए। नाम का प्रेसिडेंट लगभग 45 से 50 बीच का उम्र का आदमी है, और एक्सीडेंट होने की वजह से मृत अवस्था में अस्पताल आए।